एक बैकअप से बुला रहे हैं तुझको, ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। यहाँ पर देखो आयरन मैन का सूट आ चुका है, हमने खोलने की बहुत ही कोशिश की, ये खुल भी नहीं रहा, पता नहीं बुलेट प्रूफ कांच है, टूट भी नहीं रहा, क्या करें फेंकी भैया। नीचे पर्ची पड़ी हुई है, कुछ लिखा हुआ है। तो फिर पेपर को उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा। कुछ स्टेप होंगे, उसको कम्प्लीट करना होगा और उसके बाद आयरन मैन का सूट हमारा। एक मिनट, कम्प्लीट दिस स्टेप एंड ओपन द लॉक। नंबर वन, हिट हल्क विद बेसबॉल बैट। नंबर टू, 2 मिनट्स फाइट विद 10 स्टार आर्मी। ये क्या चक्कर है, 4 स्टार सुना था, 5 स्टार आर्मी के सुने थे, ये 10 स्टार कहाँ से आ गया। ओके ठीक है। नंबर थ्री, ब्लास्ट और कॉल्स इन माइकल हाउस। अबे सॉरी की सॉरी, गौनियों को ब्लास्ट करना है। नंबर फोर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी कलवे पॉइंट टू में कुछ गड़बड़ है, 10 स्टार आर्मी के साथ कैसे फाइट करोगे, 4 स्टार 5 स्टार पुलिस के साथ तो फाइट करने में काफी मुश्किल हो जाती है, और ये तो 10 स्टार आर्मी है और 2 मिनट फाइट करनी है उनके साथ। हाँ गाइस, सोचने की बात है, 5 स्टार और 4 स्टार के बारे में तो मैंने सुना था कि मिलिट्री के 5 स्टार लग जाते हैं, 4 स्टार लग जाते हैं, ये 10 स्टार के साथ फाइट कैसे करूंगा। पहला पॉइंट है, हमने पहला स्टेप कंप्लीट करना है, दूसरा स्टेप बाद में सोचेंगे कि हमने क्या करना है। पहला स्टेप के लिए मुझे जाना है एवेंजर हाउस और हल्क को मारना है बेसबॉल बैट यानी डंडा जो है ना, उसके जरिए हल्क को मारना है, हिट करना है, और उसके बाद फटाफट वहां से निकल जाऊंगा। अगर हल्क ने पकड़ लिया ना तो काफी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ना गाड़ी को सीधा कर लेता हूँ, जैसे ही हल्क को मारूंगा ना सीधा बाइक पर बैठूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। चुपके से जाना है और बैट इसके सर पर दे मारना है, क्योंकि ये रहा बेसबॉल, भागो भागो भागो, मार दिया यार, एक स्टेप कंप्लीट हो गया, भागो यार जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। हल्के उठने से पहले मुझे यहाँ से भागना है। अरे नहीं नहीं नहीं, गोलियां मार रहा है, पता नहीं कौन सी गन, लेजर गन है आई थिंक, मुझे लग रहा है, लेकिन मेरी बाइक बहुत ही सुपर फास्ट है और मुझे यहाँ से जंप लगाकर सीधा बाहर की तरफ निकलना है। ओके स्टेप वन डन हो चुका है, जो मुझे हल्क को मारना था हल्क को तो मैंने मार डाला। अब आई थिंक मारा तो नहीं है यार, वो बास्टिक बॉल से हिट करना था, वो तो हो चुका है। स्टेप वन डन, अब चलते हैं स्टेप टू की तरफ, लेकिन स्टेप टू को कंप्लीट करने के लिए मुझे जाना है मिलिट्री बेस और वहां पर 10 स्टार मिलिट्री के साथ फाइट करनी है। काफी मुश्किल है लेकिन कर जाऊंगा। फिलहाल 4 स्टार मिलिट्री के लग चुके हैं, क्योंकि जैसे एंट्री करोगे ना मिलिट्री बेस में तो 4 स्टार पक्का लग जाते हैं, लेकिन अभी ना 6 स्टार और रहते हैं जिसको हमने कंप्लीट करना है, देन उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल अपनी गाड़ी को इस साइड पर खड़ी करता हूँ और उसके बाद आई थिंक जैसे 10 स्टार लगेंगे और उसके बाद 2 मिनट इन लोगों के साथ फाइट करनी है, देन उसके बाद मुझे यहाँ से निकल जाना है। अभी ना मिलिट्री के 6 स्टार लग चुके हैं, ऊपर 4 स्टार है और नीचे ग्रीन कलर के तुम्हें 2 लाइनें दिख रही होंगी, इसका मतलब है स्टार, यानी कि 6 स्टार लग चुके हैं, अभी 4 स्टार और रहते हैं, उसके बाद ही हम लोग सर्वाइव करेंगे मिलिट्री बेस में। 2 मिनट यानी मिलिट्री के साथ 2 मिनट फाइट करनी है, उसके बाद हमने यहाँ से निकलना है, इसको गो, यहाँ पर तोड़ फोड़ बहुत ही ज्यादा करनी है, उसके बाद ही मिलिट्री के 10 स्टार लगेंगे। फिलहाल 8 स्टार हो चुके हैं, 6 स्टार के बाद सीधा 8 स्टार लग चुके हैं, अभी ना फिलहाल 2 स्टार और बाकी रहते हैं, उसके बाद हमने फटाफट यहाँ से निकल जाना है। अभी ना तोड़ फोड़ करनी है यार, किधर हो मिलिट्री वाले, सारे के सारे मिलिट्री वालों को फोड़ना है। पहले तो यार इस टैंकर को फोड़ना है, क्योंकि मैं जो टैंकर लेकर आया हूँ ये है बुलेट प्रूफ, देन मुझे तो काफी फायदा है, इसलिए 10 स्टार इजी से लग जाएंगे। ओके एक और स्टार लग जा लग जा लग जा, अभी ना 8 स्टार हुए, अभी लग जा एक और स्टार, नहीं लग रहा यार, लग गया 9 स्टार हो चुके हैं, अब 1 स्टार और रहता है, उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट भी हल हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल यार मिलिट्री वाले देखो यार चारों तरफ से हेलीकॉप्टर आ गए, इतने सारे हेलीकॉप्टर, अबे देख के तो चलाओ यार, सीधा आकर नीचे ठोकी जा रहे हो। ओके ओके ठीक है, अभी ना फिलहाल 1 स्टार और रहता है, उसके बाद हमारा जो चैलेंज है दूसरा स्टेप वो भी कंप्लीट हो जाएगा। पीछे करते हैं, यहाँ पर फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही है, इसलिए पीछे करते हैं, जहाँ पर खुली जगह होगी वहां पर जाकर फाइट करते हैं मिलिट्री वालों से। इसको आगे बाहर, अभी ना 1 स्टार लगता है, लग जा यार, 100 लग गए, 10 स्टार मिलिट्री के लग गए, यानी कि अब ना मुझे 2 मिनट यहाँ पर सरवाइव करना है, इनके साथ फाइट करते हैं। और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, नीचे टाइम देखो स्टार्ट हो चुका है, 11 सेकंड हो गए हैं,
इसका मतलब है 2 मिनट इन लोगों के साथ फाइट करते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर देखो, इतने सारे हेलीकॉप्टर, वेट वेट यहाँ से निकलते हैं, अगर यहाँ पर रुका तो काफी दिक्कत हो जाएगी। देखो इतने सारे हेलीकॉप्टर, 10 स्टार, वो भी मिलिट्री के, काफी मुश्किल है यार लगाना। इसलिए अभी ना आधा मिनट हुआ है यार, कब गुजरेंगे 2 मिनट। मुझे ना टैंकरों को भगा लेना चाहिए, ये बुलेट प्रूफ है इसलिए मैं बचा हुआ हूँ, वरना यार क्या हालत हो जाती मेरी सोचने की बात है। लेट्स गो गो, यहाँ से निकलते हैं। इस हेलीकॉप्टर अबे खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया, अबे यार ये कैसे चला रहे हैं। ओके ओके लेट्स गो, यहाँ से निकलते हैं। ओके अभी ना 1 मिनट होने वाला है, 1 मिनट और सर्वाइव करना है, देन उसके बाद मुझे ना अपनी बाइक पर बैठना है और देन मैं फटाफट यहाँ से निकल जाऊँगा। ओके बाकी 1 मिनट, 1 मिनट रहता है, काफ़ी मुश्किल है यार 10 स्टार मिलिट्री के साथ फाइट करना। ऊपर से यार हर किस्म के हेलीकॉप्टर, एयर जेट, पता नहीं क्या चक्कर है यार। ओके ओके लेट्स गो, अभी ना और भी काम रहता है, बट ठीक है यार अभी ना टाइम रहता है 1 मिनट 20 सेकेंड हो चुके हैं, अभी 40 सेकेंड और भी रहते हैं। ओके लेट्स गो चलते हैं यार, वैसे भी हमने मिलिट्री के गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहना है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। ओके अपनी गाड़ी के पास जाते हैं, यानी कि अपनी बाइक के पास जाते हैं, देन उस जगह से अपनी बाइक को लूँगा और देन यहाँ से फटाफट निकल जाऊँगा। ऊपर हेलीकॉप्टर देखो यार इतने सारे, लेकिन फिलहाल 1 मिनट 45 सेकेंड हो चुके हैं, अभी ना 15 सेकेंड और रहते हैं, उसके बाद मुझे अपनी बाइक पर बैठना है और यहाँ से रफू चक्कर हो जा रहा है। 1 मिनट बाइक पर बैठ जाऊँ, उसके बाद निकलना मेरा काम है, कैसे निकलूंगा यहाँ से। ओके ओके लेट्स गो, टाइम होने वाला है। ओके हो गए 2 मिनट, सरवाइव कर लिया यार 10 स्टार आर्मी के साथ, फटाफट अब तो निकलने का टाइम हो चुका है। लेट्स गो अपनी बाइक पर बैठते हैं और मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब आर्मी से यानी कि मिलिट्री बेस से निकलूंगा, देन ये जो टाइमर है ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेट्स गो यहाँ से लगाऊंगा जंप आराम से लेट्स गो गो गो, यहाँ से सीधा लैंडिंग हो जाए बाहर, मिलिट्री बेस से बाहर लैंडिंग हो गई तो काफी बढ़िया रहेगा यार। पीछे देखो इतने सारे हेलीकॉप्टर अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी ना जैसे ये 5 स्टार ऊपर वाले जाएंगे ना, ऑटोमेटिक नीचे वाले भी 5 स्टार चले जाएंगे, इसलिए मुझे पहले तो यार पुलिस वालों से बचना है। यहाँ पर अभी पुलिस वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस से जैसे ही बाहर निकलोगे तो आर्मी वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी यहाँ पर पड़ जाते हैं, पुलिस को पुलिस वालों से बचना है। उसके बाद देन यहाँ पर जितने भी हेलीकॉप्टर है ये ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। लेट्स गो गो, यहाँ से फटाफट भगाना है अपनी गाड़ी को। यार देखो इतने सारे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अभी कितने हैं, अभी पीछे पड़ी जा रहे हैं, पर ठीक है कितनी देर पीछे लगाएंगे, जब थक जाएंगे ऑटोमेटिक यार मेरे पीछे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर मिलिट्री वाले यहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, अबे कैसे बचूं इन लोगों से। भाई साहब काफ़ी तगड़े हेलीकॉप्टर लेकर आए हैं, बट मेरे पास भी जो गाड़ी है यानी बाइक है वो इससे भी काफ़ी पावरफुल और फास्ट है, तो देन इसी से मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँगा। 1 मिनट कोई हैवे मुझे मिल जाए ना, देन उसके बाद मैं अपनी बाइक को फुल स्पीड के साथ लेकर जाऊंगा। लेट्स गो गो गाइस, काफ़ी देर के बाद देन मिलिट्री वाले काफ़ी दूर हैं और मैं भी इन लोगों के काफ़ी दूर निकल चुका हूँ, अब ना मुझे घर की तरफ निकलना है। देन आगे पुलिस वाले, यार ये पुलिस वाले भी बीच में आ जाते हैं ना, ये काम ख़राब कर देते हैं, बट अब टाइम हो चुका है घर जाने का, काफ़ी देर हो चुकी है फाइट करते करते। लेट्स गो, 0.2 भी हो चुका है डन, अब मैं आ चुका हूँ माइकल के घर, क्योंकि 0.3 यहाँ पर हमने करना है, सारी की सारी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करना है। बाकी मिलिट्री वाले ने बहुत मारा यार, देखो क्या हालत कर दी मेरी। इसके पास फरारी, लैम्बोर्गिनी, ये भी फरारी है और ये कल्टस है, ये स्पोर्ट कार है। अबे कौन कौन सी गाड़ियाँ लेकर फिर रहा है यार ये माइकल, इतनी सारी गाड़ियाँ। फटाफट सारी गाड़ियों पर लगाता हूँ स्टिकी बम, इसको इधर भी लगा देता हूँ और एक इस साइड पर, इसको जल्दी से ये वाला पॉइंट भी करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रहता है लाइक और सब्सक्राइब, वो तुम लोगों ने कर ही देना है। इसको 0.3 भी मेरा कंप्लीट होने वाला है, बट माइकल को पता नहीं लगना चाहिए। ओके ओके अब दोपाता हूँ, लेट्स गो। ओके सारी की सारी गाड़ी वो फोड़ दिया, अब मुझे जाना है अपने घर और आयरन मैन का सूट पहनना है, क्योंकि 3 स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया है, 4 स्टेप तुम लोगों ने आई थिंक कंप्लीट कर ही दिया होगा। अब मुझे फटाफट जाना है, आयरन मैन का सूट पहनना है और उसके बाद लॉस सैंटोस में घूमना है, फिरना है
और सिंचन पिंचन के साथ प्रैंक भी करना है। ओके, पहुंच गया अपने घर। फटाफट देखता हूँ कि लॉक ओपन हुआ है कि या नहीं, क्योंकि 3 पॉइंट तो मैंने अपने कर दिए हैं। 1 पॉइंट जो रहता है वो तुम्हारा, वो मुझे शक है कि तुम लोगों ने पता नहीं कर दिया। अबे कर दिया इन लोगों ने। ओके चौब सिंचर फिंचर, भाई क्या मार पड़ी है यार मिलिट्री वालों से, बहुत मारा है उन लोगों ने भाई, कीमा बजा दिया मेरा। 10 स्टार आर्मी, ऊपर से हेलीकॉप्टर, एयर जेट, सारे के सारे आ गए। बट मैंने ना किसी तरीके से 2 मिनट सर्वाइव कर दिया, 10 मिनट, यानी कि 10 स्टार आर्मी के साथ। इसको फटाफट आयरन मैन का सूट पहनते हैं। इसको गाइस देखो, ये रहा आयरन मैन का सूट, और उसी के साथ इसकी पावर भी आ चुकी है। बट अब किसके साथ प्रैंक करूं, नीचे गाड़ी चाहिए, इस गाड़ी को पकड़ता हूँ, इसको को गाड़ी को जाने नहीं दूंगा। अबे गाड़ी कैसे जा रही है, अबे फुल स्पीड के साथ जा रही है, मुझे ना इसको पकड़ना है। अब इसकी भैंस की टांग यार, ये कंट्रोल कैसे होगा, मुझे ना इसको पकड़ना है गाड़ी वालों को। अबे किधर चला गया, ले इसको, भागो भागो भागो, जल्दी से पकड़ना है, और देन उसके बाद इसको लेकर चलूंगा। नहीं अबे यार क्या हो रहा है मेरे साथ यार, ये आ रहा है, मैंने का सूट पहन लगा है या कुछ और ही चक्कर है। इसको उठा लेता हूँ, ये वाली गाड़ी काफी बेस्ट लग रही है। और अब चलता हूँ अपने घर, क्योंकि सिंचन पिंचन के साथ भी प्रैंक करना है।